नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दो एक चैप्टर आपके हिंदी में रह गए हैं दोस्तों, तो छोटे छोटे चैप्टर ही बचे हुए हैं, उनको धीरे धीरे करके कवर कर लेते हैं। तो आज हम समझेंगे विसर्ग संधि के कुछ नियम को, है ना। यहाँ से क्वेश्चन एक दो बन जाता है। अगर हमने इनके नियमों को अच्छे से पढ़ा है दोस्तों, तो यहाँ से क्वेश्चन हमसे गलत नहीं होगा। तो कुछ 5-7 नियम हैं, इनको अच्छे से समझ लेते हैं और बहुत ही प्यार के साथ आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ध्यान से वीडियो को देखिए, विसर्ग संधि आपसे गलत नहीं होगी आज के बाद। देखिए, पहले तो समझिए, देखिए यहीं से निकलेंगे सारे नियम, इस विसर्ग से ही निकलेंगे सारे नियम। हम क्या पढ़ रहे हैं? विसर्ग संधि को पढ़ रहे हैं, ठीक। दो नियम तो रहेंगे दोस्तों हमारे शा वाले, दो नियम रहेंगे शा वाले। शा का मतलब तीनों सा, है ना। कौन से? ये तीनों सा जो होते हैं, ठीक है। दो नियम हम पढ़ेंगे इनके, दो नियम रहेंगे इस रा के, है ना। एक तो ये वाला रा देखते हैं हम और एक ये वाला रा देखते हैं। तो दो नियम हम पढ़ लेंगे इसके, ठीक है। और दो नियम पढ़ेंगे हम कि कहाँ विसर्ग लगाएं और कहाँ विसर्ग ना लगाएं, है ना। कहाँ विसर्ग लगाया जाता है और कहाँ विसर्ग नहीं लगाया जाता है, तो वो दो टोटल हमारे नियम रहेंगे, ठीक है। एक नियम जो हमें अलग से पढ़ना होगा वो ओ का नियम होगा। कौन सा होगा? ओ का नियम होगा। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है परीक्षा में, इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं इस ओ वाले नियम से ही बनते हैं। जैसे आपने देखा होगा अधो वस्त्र, है ना। तो अधो वस्त्र जब आता है और बीच में आप देखते हो ओ, है ना, बीच में जब आप देखते हो तो आप विसर्ग संधि की तरफ को नहीं जाते हो, गुण संधि की तरफ को जाने की कोशिश करते हो। इसलिए इस वाले नियम को सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आपसे, ठीक है। तो बहुत ध्यानपूर्वक समझेंगे दोस्तों, बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा आज। तो चलिए पहले हम इन दो नियम को समझ लेते हैं कि कहाँ पर विसर्ग लगाएं और कहाँ पर विसर्ग ना लगाएं, ठीक है। इस नियम को समझते हैं। चलिए नियम नंबर 1 देखते हैं दोस्तों। विसर्ग के बाद या प्लस के बाद, विसर्ग के बाद या प्लस के बाद, है ना, दोनों स्वर आए, दोनों स्वर आ जाएं, तो ऐसी कंडीशन में विसर्ग हट जाता है, ठीक है। अब जैसे देखिए, अतः लिखा हुआ, ये क्या है? अतः प्लस एब, अतः प्लस एब। तो आपको पता चला यहां स्वर तो है और इसके जस्ट बाद भी स्वर आया हुआ है, है ना। तो क्या करेंगे हम, इस विसर्ग को हटाएंगे और बीच में जो प्लस का साइन रहेगा उसको हटा देंगे और जोड़ के सीधा लिख देंगे। क्लियर हो गया? यहां से देखिए, यश प्लस इच्छा, यश प्लस इच्छा। तो यहां से विसर्ग हटेगा और यहां से प्लस हटेगा, इसको जोड़ के जैसे का तैसा लिख देंगे। यहां भी आपको पता चल रहा है कि यहां भी स्वर है और इसके बाद भी स्वर आया हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं दोस्तों, विसर्ग को हटा देते हैं। क्लियर हो गया? इन उदाहरणों से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमें विसर्ग कहाँ पे हटाना है, ठीक है। अब हम समझते हैं दोस्तों कि हमें विसर्ग कहाँ पे नहीं हटाना है। नियम नंबर 2 हमारा यही है। देखिए, आके बाद विसर्ग लगा हो, आके बाद विसर्ग लगा हो तथा अगला का खा पाफा, का खा पाफा में से कोई एक हो तब विसर्ग हटता नहीं है। जैसे आपने देखा होगा प्रातःकाल, है ना, प्रातःकाल जब लिखा हुआ देखते हैं तो उसमें विसर्ग हटा हुआ दिखाई नहीं देता है आपको, जैसे का तैसा ही पूछा जाएगा दोस्तों परीक्षा में। देखिए, मन्हा प्लस कल्पित, है ना। तो अब देखिए, यहां तो स्वर आया हुआ है, यहां तो स्वर है और उसके बाद देखिए का खा पाफा में से कोई है तो का है, तो ये विसर्ग हटेगा नहीं, ज्यों का त्यों, सिर्फ प्लस का साइन हटाएंगे और इसको ऐसे का वैसा ही लिख देंगे। अगला समझिए, अंतःपुर, है ना। तो यहां आपको पता चल रहा है कि यहां पे एक स्वर है और उसके बाद इन चारों में से एक आया हुआ है, तो यहां पे पा आया हुआ है, तो इसको भी जैसे का तैसा लिख देंगे प्लस का साइन हटा करके। अगला देखिए, मना कामना, है ना, तो लिखा मना प्लस कामना, तो यहां पे भी आपको पता चल रहा है कि स्वर है और अगला जो हमारा आया हुआ है इन चारों में से आया हुआ, तो इसको भी जैसे का तैसा ही लिख दिया जाएगा प्लस का साइन हटा करके। ये दोनों नियम आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ये दोनों नियम आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि कहाँ पे विसर्ग हटेगा और कहाँ पे विसर्ग नहीं हटेगा, ठीक है। ये तो हुए दोस्तों ये दोनों नियम। चलिए अब बाकी जो दो नियम हैं उनको हम समझ लेते हैं, रा वाले जो नियम हैं। अब हम समझते हैं रा वाले नियम के लिए। चलिए दोस्तों, रा के जो दो नियम हैं उनको समझ लेते हैं। देखिए, दो नियम रहेंगे इसके, जैसा कि हमने बताया था रा के दो नियम होंगे। तो रा और आधारा, है ना, रा और आधारा। तो पहले इस वाले को समझिए, आधे रा वाले नियम को समझिए। रा के बाद कोई अघोष व्यंजन या य र ल व हो तो आधे रा का विसर्ग हो जाता है। आधे रा का विसर्ग हो जाता है कब? जब कोई
अघोष व्यंजन दिया हो, जब कोई अघोष व्यंजन दिया हो या ये रे ले वे में से कोई एक दिया हो, जैसे यहां लिखा हुआ है दोस्तों निर्गम, है ना। तो हमें ये वाला रा हटाना है, ये वाला रा हटाना है और इसकी जगह विसर्ग लगाना है। इसकी जगह क्या लगाना है? विसर्ग लगाना है। तो देखिए हमें दिखाई दे रहा है कि अघोष व्यंजन अगला दिया हुआ है हमें, तो इस रा को हटाएंगे और इसकी जगह विसर्ग लगा देंगे और सीधा उसको ऐसे ही जोड़ देंगे, ठीक है। ऐसे ही उसकी संधि विच्छेद कर दी जाएगी, जैसे दुर्जन है ना, तो इस वाले रा को हटाना है हमें, तो दू प्लस जन कर देंगे, दू प्लस जन इसको कर दिया जाएगा। अगला भी हमारा क्या है? अघोष व्यंजन दिया हुआ है, आशीर्वाद है जैसे कि, है ना। तो आसी, है ना, इसकी जगह रा हटाएंगे हम, यहाँ से ये वाला रा हटाएंगे, इसकी जगह विसर्ग लगाएंगे और सीधा उसको ऐसे ही जोड़ देंगे, ठीक है। ये बहुत आसान है, इसको बहुत आसानी से याद रख लेंगे। आधे रा की जगह विसर्ग लगा देंगे जब कोई अघोष व्यंजन दिया हो या य रे ले वे में से कोई एक दिया हो, तब। क्लियर हो गया? चलिए अब देखिए, यहाँ पे अघोष व्यंजन नहीं था तो य रे ले वे में से एक दिया था, तो हमने इसकी जगह ये कर दिया। क्लियर हो गया? अगला समझ लीजिए इसका नियम, बहुत आसान है दोस्तों, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। देखिए अगला जो रे का नियम होता है दोस्तों, ई और ऊ के साथ होता है, बड़ी ई और ऊ के साथ होता है। तो देखिए बड़ी ई और ऊ का नियम बोलते हैं वैसे हमको, लेकिन ये है रा का ही नियम। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, बड़ी ई की जगह हम छोटी ई कर देते हैं और बड़े ऊ की जगह छोटा ऊ कर देते हैं, ठीक है ना, और उसकी जगह विसर्ग लगा देते हैं। उसकी जगह क्या लगा देते हैं? विसर्ग लगा देते हैं। जैसे नीरज है, बड़ी की मात्रा लगी हुई है, तो बड़ी की मात्रा लगी हुई तो हम क्या करेंगे, इसे छोटी की मात्रा कर देंगे और विसर्ग लगा देंगे। छोटी की मात्रा करेंगे, विसर्ग लगाएंगे और ऐसे का वैसा ही जोड़ देंगे। नीरस है, बड़ी की मात्रा है, छोटी की कर देंगे, विसर्ग लगाएंगे और ऐसे ही जोड़ देंगे। दुराज है, ये है ना, दुराज है दोस्तों ये, तो दुराज है, बड़े ऊ की मात्रा, इसको छोटे ऊ में कन्वर्ट करेंगे, विसर्ग लगाएंगे और आगे ऐसे ही रखेंगे। जैसे ही निर्मल है, अगला हमारा निर्मल है, तो निर्मल में तो दी हुई छोटी की मात्रा है, दी हुई छोटी की मात्रा है, तो इसको नहीं बदलेंगे, छोटी ई को छोटी ही रखेंगे, विसर्ग लगाएंगे और आगे इसको ऐसे ही जोड़ देंगे। बताइए कोई टफ था? ये बहुत आसान है, बहुत आसानी से इसको आपने समझ लिया होगा। चलिए अगला नियम समझ लेते हैं दोस्तों, ओ का नियम, है ना, उसको और समझते हैं, पहले इसको मिटा लेते हैं। चलिए दोस्तों ओ के नियम को समझते हैं और साथ ही साथ सा के नियम को भी समझते हैं। देखिए ओ के नियम को समझिए, बहुत ध्यानपूर्वक समझिए, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, क्योंकि आपका जो कन्फ्यूजन रहता है वो गुण संधि में हो जाता है कि आ के बाद ई आए तो मिलके क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। ओ आपको यहाँ भी दिखाई दे जाता है, अधो वस्त्र, आप एकदम से गुण संधि पे शिफ्ट कर जाते हो। तो ध्यान रखना भैया, ये विसर्ग संधि में आता है। ओ का नियम क्या होता है? देखिए ओ के बाद कोई सघोष व्यंजन, ओ के बाद कोई सघोष व्यंजन या फिर य रे ले वे में से हो तो विच्छेद करते समय ओ के स्थान पे विसर्ग कर देते हैं। हमें विसर्ग जो करना है दोस्तों, इस ओ के स्थान पे करना है। किसकी जगह करना है? इस ओ के स्थान पे करना है। तो देखिए अधा प्लस वस्त्र, ओ को हटाइए विसर्ग लगाइए, ओ को हटाइए विसर्ग लगाइए, ओ यहाँ भी दिखाई दे रहा होगा विसर्ग लगाइए, ओ यहाँ से हटाइए विसर्ग लगाइए, ओ यहाँ से हटाइए विसर्ग लगाइए, बस इतना सा ही नियम दोस्तों ये, तो ध्यान में रहेगा। एक बार दोबारा से समझते हैं इस चीज़ को, एक बार दोबारा से समझिए। ओ के बाद कोई सघोष व्यंजन, ओ के बाद कोई सघोष व्यंजन या फिर य रे ले वे में से हो तो विच्छेद करते समय ओ की जगह हम क्या कर देते हैं? विसर्ग कर देते हैं। तो कब करेंगे विसर्ग? जब कोई सघोष व्यंजन दिया हो या फिर य रे ले वे में से कोई आया हो, तो उस ओ की जगह हम क्या कर देते हैं दोस्तों? विसर्ग लगा देते हैं, ठीक है। ओ हटाना है, विसर्ग को लगाना है, ओ हटाना है, विसर्ग को लगाना है। गुण संधि में ज़्यादा जाता है आप लोगों का ध्यान, इसलिए ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। अब समझते हैं दोस्तों स के नियम को, ठीक है। तो इसके हमने दो नियम बताए थे, तो देखिए इस वाले स को समझिए, ये लिखा हुआ है निश्चल, तो इस वाले स की जगह हमें विसर्ग लगाना है, इस वाले स की जगह हमें विसर्ग लगाना है। इसका नियम हमने नहीं लिखा है, हम समझा देते हैं, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इस स के बाद, है ना, इस स में से कोई सा भी स आपके पास हो सकता है, इन तीनों में से कोई सा भी स आपको मिल जाएगा। इस स के बाद यदि कोई अघोष व्यंजन दिया हो, इस स के बाद कोई अघोष व्यंजन दिया हो, इसकी बात कर रहा है, ए और ओ ना दिया हो, ए और ओ ना दिया हो, ठीक है, कोई सघोष व्यंजन दिया हो, तो इस वाले स की जगह या इस वाले स की जगह या इस वाले स की जगह हम क्या कर देते हैं? विसर्ग लगा देते हैं। जैसे है ना निश्चल है, तो नि प्लस चल कर देंगे, इस वाले सा की जगह सा हटाएंगे, विसर्ग लगा देंगे, है ना, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि अगला वाला जो व्यंजन है वो कैसा है? अघोष है, थे? तो आप समझ गए इस चीज को, इस वाली से की जगह विसर्ग लगाइए, इस वाली से की जगह विसर्ग लगाइए, बस इतना ही इसमें करना होता। अगला नीचे लिखा हुआ है दुख, ये दोस्तों अपवाद होता है, इसे आप अपने हिसाब से याद रख लीजिए, ये जैसे का वैसा ही रहता है, ये चेंज
नहीं होता है, आता विसर्ग संधि के अंतर्गत ही। क्लियर हो गया? अगला समझिए, देखिए आप यहाँ पे एक चीज नोट करिए, अगले वाले नियम में जो लिखा है, यहाँ भी शाह है और यहाँ भी शाह है, यानी एक जगह आधा शाह है और आगे जो है वो उसी का पूरा शाह दिया हुआ है। देखिए आधा शाह उसी का पूरा शाह, यहाँ पे देखिए आधा शाह फिर उसी का ही पूरा शाह दिया हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, जो आधा शाह होता है, जो आधा शाह होता है उसको हटा देते हैं और उसकी जगह विसर्ग को कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे किया, इस वाले शाह को हटाया और इसकी जगह विसर्ग लगाया, बाकी का ऐसे ही लिख दिया। क्लियर हो गया? दुशील लिखा हुआ था तो इस वाले से की जगह हमने विसर्ग लगाया, बाकी ऐसे ही लिख दिया, है ना, दुशील है ये, यहाँ पे ये दू हट जाएगा। ठीक है, अब देखिए दुशासन था ये, तो इस वाले से की जगह में विसर्ग लगाना था, बाकी ऐसे ही लिखना था। इस वाले से की जगह विसर्ग लगाना था, बाकी ऐसे ही लिखना था। क्लियर हो गया? बस यही 7 नियम थे दोस्तों विसर्ग संधि के। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हो गए होंगे। आप कमेंट करके बता दीजिए कि आपकी कौन कौन से टॉपिक छूट रहे हैं और वो आपको पढ़ने हैं। परीक्षा से पहले पहले दोस्तों हम इन चीज़ों को क्लियर कर लें तो ज़्यादा फायदा हमें मिलेगा। आप चाहें तो इन चीज़ों को अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। चलिए एक सूचना आपको दे देते हैं, काफ़ी बेनिफिट रहेगा आपको सूचना से। देखिए दोस्तों पेड ग्रुप की व्यवस्था हमारे यहाँ चल रही है, पेड ग्रुप है हमारा व्हाट्सएप पेड ग्रुप, ठीक है, व्हाट्सएप पेड ग्रुप। ये ग्रुप जो हमने बनाया था फॉरेस्ट गार्ड वालों को ध्यान में रख करके बनाया जाता था। इसमें दो टाइप के कोर्स चल रहे हैं, 149 रुपये का है सिर्फ 49 का, एक 99 रुपये का है। तो आप 70 80 14 19 यहाँ पे साफ से लिख देते हैं, 70 80 14 19 33 वाले नंबर पे दोस्तों कॉन्टैक्ट करके आप इनमें से कोई सा भी कोर्स परचेज कर लीजिए। आपको इसमें काफ़ी सारा बेनिफिट मिल जाएगा, 15 प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएंगे, हिंदी वगैरह के, जीके वगैरह के नोट्स, करंट अफेयर वगैरह के नोट्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। जो आपको अच्छा लगे 49 वाला 99 वाला आप यहाँ से ले सकते हैं, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। 15 दिन आपके बचे हुए हैं, आप यहाँ से इसको ट्राई कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा कमेंट्स करके बताइए, और अगला टॉपिक आप क्या पढ़ना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।